बाद में ले लूंगा तो। चल स्टार्ट कर। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शूट हो रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे को ओला की तरफ से कॉल आया, डिलीवरी की तरफ से। तो हम चलेंगे ओला स्कूटी का डिलीवरी लेने। आप सबको बता देता हूँ, मैंने ये बुक किया था 2 मंथ पहले, तो आज गाड़ी के दर्शन होगा। मैंने जेड ब्लैक कलर ऑर्डर किया है, देखते हैं जाके क्या एक्सपीरियंस रहेगा। हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर में है डिलीवरी, तो चलेंगे वहाँ, फिर आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह ही कॉल आया था 6 बजे मेरे को तो कॉल कल आया था, लेकिन उन्हें डिलीवरी थोड़ा सा उनका लेट हो गया है, तो चलते हैं सुबह डिलीवरी के लिए। ठीक है, रात को ले भी नहीं पाते। मदद कर देगा, बस भोलेनाथ से सब गाड़ी सही रहना चाहिए। तो कोई पार्ट डैमेज नहीं रहना चाहिए, फिर दिक्कत है। ये आ चुकी हमारी गाड़ी। लो जी पकड़ो। एक्सेप्टेबल है वो, अगर दादा रहेगा रहते ना तो निकालते नहीं हम लोग उसको। देखो ना उसका देखो। नहीं नहीं वो चलेगा, वो सबका रहता है उतना। अगर वो बहुत ज़्यादा रहता है ना कंपनी से स्कूटर डिस्पैच ही नहीं होता वो जो कैब से कहना हुआ है एक्सेप्टेबल है। अगर उसको चेंज करवाना भी क्या प्रोसेस है? नहीं वो चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ये जो गैप्स है ना ये एक एमएम तक चल जाता है, वो 0.5 0.7 है एमएम, ज़्यादा नहीं 1.5 एमएम तक ही आता है वो गैप। वो कंपनी खुद बोलती है कि वो जो पैनल गैप है वो एक्सेप्टेबल है ऐसा। आइए मैं डेमो देता हूँ। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको पावर बटन कहते हैं। पावर बटन अपन लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं दो हाथ को, ये हो गया लो है ना। पहले लगा लो, लगा लो ठीक है। नहीं वो हो जाएगा, वो कर लेंगे। लगा लो पहले। अरे नहीं वो अभी डेमो भी देना ना, ये पावर बटन अभी वो कर लो फिर। सिंगल टैप करना है, 1-2 सेकंड में लाइट आएगा। नहीं वो नहीं लगा, लगा लो ना और जाम हो जाएगा। अभी अभी कूलर रख दो, थोड़ी देर रहने दे, फिर देखते हैं। पासवर्ड डालना है, पूरा खड़ा करके स्टैंड हटाना है। जब तक स्टैंड हटाओगे नहीं स्कूटर ऑन ही नहीं होगा। प्रेस करके पावर बटन दबाना, राइट मोड पे फिर ओके। चलाते समय अगर मोड चेंज करना है पावर बटन के साइड वाला, यहाँ पे मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ नॉर्मल से उसको। दोनों का S1 है ना, लॉन्ग प्रेस पे आपका इको मोड है, यहाँ इको मोड। अभी कंटिन्यूस 60% चार्जिंग दिखा रहा है, इको मोड में राइट मोड दिखा रहा है। यहाँ पे 88 किलोमीटर का 1 किलोमीटर जाएगा करके,
नॉर्मल पे 72, स्पोर्ट पे 64। एग्जैक्ट रहता है एग्जैक्ट वो धोखा थोड़ी हो जाएगा। ना 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल। इको मोड पे अगर आप इको मोड पे कंटिन्यू चलोगे तो ही इतना जाएगा, फिर अगर 20 में अगर आपने मोड चेंज किया तो रेंज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इको का टॉप स्पीड 40 है, नॉर्मल का टॉप स्पीड 80 और स्पोर्ट मोड का टॉप स्पीड 95। ओवरऑल मोड चेंज गए तो उसका स्पीड उससे ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा यार। यहाँ से मोड चेंज करने का ये बटन है, वो आपको मैन्युअली करना है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओवरऑल दिन का आप जहाँ पे भी डिस्टेंस कैरी करोगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कितना आपने किया किलोमीटर हुआ, स्पीड कितना रहता है, एरो जब ये ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट टेक्निकल नंबर है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, कंप्लेंट आपने डाल दीजिए, ठीक है। और अप्लीकेशन में एक आपको यूज़र मैनुअल भी आएगा, उसके नीचे मेल आईडी, अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो मेल डाल दीजिए, ठीक है। ये रहा, ये दो स्पीकर है, स्पीकर का वॉल्यूम इससे बढ़ेगा और इससे कम होगा, और जब MOVOS 3.0 डाउनलोड होगा। अच्छा अभी नहीं है आपके? नहीं अभी नहीं। ये दो अपने दो माइक्रोफोन है, यहाँ से आप बात कर पाओगे, इससे कॉल रिसीव होगा, इससे रिसीव होगा, ये म्यूजिक ऑन पॉज के लिए, ओके। रिवर्स मोड, रिवर्स मोड डाल दिया, टोटल एंटी क्लॉकवाइज देना है आगे। बंद करो, जब ऑन किया बंद करो, ना ये वाइट कलर का है, आप भी डाउनलोड करो चार्जर को ना। हाँ। इसका पूरा पन्नी फाड़ लेना। हाँ ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि उसमें वोल्ट फैन है, उसमें फैन को वेंटिलेट होना चाहिए। हाँ। लगाओगे ना तो ओला। हाँ। नाम जो है ना। हाँ। वो आना चाहिए ऊपर। हाँ। स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना है, ऐसा आड़ा। हाँ। या ऐसा नहीं सीधा। ओके। हाँ। तभी तो फैन इधर से जाएगा ना पास। और इसमें रख के चार्ज नहीं करना है, बाहर रखे। हो गया।